देखिए ये 3 सीटर बेड है, अपने आप अपने साथ गुड्डा उड्डा भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों का पसंदीदा होता है गुल्लू। आपके पास अगर करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, गहना गुड़िया ससुराल से मायके से जो भी आप लेके आई होंगी, आराम से बकायदा पैक करके लॉक करके रख लीजिए। मैडम कैसा लगता है हॉस्टल में आपके यहाँ पे? घर लगता है। घर लगता है। हाँ देव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बनारस में हॉस्टल सीरीज चला रहा हूँ, और इस समय जितने भी हॉस्टल्स होते हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो घर बैठे हैं, दूर दराज बैठे हैं और आप बनारस में आ रहे हैं, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो हॉस्टल सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नए हॉस्टल को एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं, यहाँ के वार्डन कैसे हैं, खाना कैसा मिलता है, वो सारा चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा। फिलहाल ये तीसरे एपिसोड में भी हम लोग गर्ल्स हॉस्टल दिखाने जा रहे हैं। आइए भैया, आपको मैं हॉस्टल का क्या प्राइस है, लोकेशन है, सारा आपको मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये है आपका एंट्री सीन, यहाँ से आप एंटर करते हैं, आपको यहाँ पर ठंडे पानी का एहसास करने का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए हर हॉस्टल में आपको फ्रीज नहीं मिलता है, ये बड़ी समस्या होती है कि फ्रीज कहाँ मिले। हम भी अपने समय में हॉस्टल में रहा करते थे, जब ग्रेजुएशन के टाइम में तो हॉस्टल में फ्रिज नहीं था, तो दूसरे घर बोतल रखने जाते, वहीं जितने पनिया ठंडा कर दो, उतनी अच्छी सुविधा। देखिए आज यहाँ पे इन्वर्टर लग गया है, तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, हमेशा जो 24 घंटा आपका पंखा वगैरह चलते रहेगा, तो उसकी कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका रूम है, ठीक है, गर्ल्स रूम है, वीडियो बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि चूंकि देखिए लड़कियों का वीडियो बना रहे थे, थोड़ा सा परमिशन लेना चाहिए तो अच्छी बात होती है। देखिए ये 3 सीटर बेड है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, 3 बेड है जैसा कि आप देख सकते हैं, हालांकि लड़कियाँ 4 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 रहती हैं ठूस ठूस के, बिल्कुल नहीं, केवल 3 बेड है, 3 लड़कियाँ रहती हैं, ठीक है। उसके साथ आपको देखिए 3 टेबल मिल जाएंगे, 1, 2, 3, जिस पे आप आराम से बकायदा पढ़ सकते हैं, पढ़ने उड़ने के लिए अच्छा व्यवस्था है, साथ में आप अपने साथ गुड्डा उड्डा भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि लड़कियों का पसंदीदा होता है गुल्लू गुल्लू, तो ये चीज़ आपका पर्सनल है। इसके साथ देखिए यहाँ पे आपको 3 कवर मिल जाएगा, आपके पास अगर करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, गहना गुड़िया ससुराल से मायके से जो भी आप लेके आई होंगी, आराम से बकायदा पैक करके लॉक करके रख लीजिए। हालांकि हम लोग तो गरीब रहते थे, हम लोग पास चलनी नहीं रह सकता था, आप लोग पैसे वाली होंगी तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ देखिए बकायदा बड़का वाला कूलर लगा है, आराम से एकदम हवा खाइए, ऐसी खाइए, और ये देखिए लगता है ये हेड है, ठीक है, तो पूरा हवा अकेले खा रही है, बाकी 3 लोग बैठी हुई है। तो आइए इनसे जरा बात करते हैं और रिव्यू लेते हैं कि कैसा हॉस्टल का। मैडम कैसा लगता है हॉस्टल में आपके यहाँ पे? घर लगता है। घर लगता है, अच्छा, तो बेसिकली आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से। क्या बात है, मेरे शहर से है, वाह भैया आपके भी शहर से है, बहुत बढ़िया। तो मतलब हॉस्टल की सुविधा अच्छी है, खाना पीना कैसा है? अभी तो ठीक है। और सही है, मतलब अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वो लोग चली गई, वो लोग सोची अच्छा लगता है, हम सब क्वेश्चन करेंगे, मैं निकल लेती हूँ, होता है कई केसेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब आराम से कंफर्टेबल है, सब अच्छा है ना? तो बस यही है सवाल, और तो कोई कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है, तो मैडम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बगल का भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ, तो आइए आप देख लीजिए, तो इतना हॉस्टल देखिए लोग रह रहे हैं, इसीलिए मैं दिखाया, ये आपका वॉशरूम हो गया, ये देखिए, ओ माय गॉड कितना बड़ा बाथरूम है, हमारे यहाँ देखा 5 फुट का बाथरूम रहता था, वहीं मारा के हम लोग बाथरूम जाते थे। तो ये देखिए आपको एक छोटा सा किचन मिल जाएगा आराम से, इसमें आपको अगर आप चाहेंगे तो इसको भी सिंगल सीटर बनाया जा सकता है, वरना अगर आप चाहते हैं जो किचन के रूप रहा है तब किचन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था चलेगी, और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा खासा मेस भी चलेगा, ठीक है। इसके साथ देखिए यहाँ पर RO वाटर पीने को मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या होती है छात्रों के लिए, कई जगह आप जो बोतल खरीदते हो ना, तो या बनारस में खरीदोगे तो 30 रुपया बोतल, 40 रुपया बोतल लेते हैं, यहाँ पर आपको पानी वगैरह खरीदने की कोई समस्या नहीं होगी, आराम से पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे ये देखिए, ये भी आपका रूम है, इसमें आप जाइए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें भी लगता है लड़कियाँ रहती हैं, तो अच्छी बात है। आप ये देखिए, ये है आपका 4 सीटर है, ठीक है, तो जिनका अच्छा संबंध होता है, जिन लड़कियों का अच्छी दोस्ती होती है, वो बेड सटा लेती हैं, जिनका नहीं होता है तो वो अपना ऐसे दूर दूर रखती हैं, हमारे दूर रही, हमारे दूर रही, ठीक है। तो अच्छा खासा ये देखिए 4 सीटर रूम है, स्पेसियस है, इसमें भी आपको 4 अलमारी मिल जाएगा, 4 कवर्ड मिल जाएगा, 4 टेबल मिल जाएगा, 2 फैन मिल जाएंगे, ये सारी सुविधाएं हैं। उसके साथ यहाँ भगवान जी है भी, तो पूजा भी कर सकते हैं, तो मतलब किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई कमी समस्या नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छा आपका लड़कियाँ का तालमेल रहता है उतना अच्छे से रहती हैं, हालांकि लड़ाई झगड़ा करते नहीं रह पाते हैं। ये भी देखिए, ये भी आपका डबल सीटर रूम है, ठीक है,
यहाँ पे भी आपको कूलर लगा हुआ है, कूलर मिल जाएगा, वही सेम सुविधाएं हैं सबके लिए, सेम है, ऐसा किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है कि हाँ तुम आपको ये सुविधा मिलेगी आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें भी आपको देखिए दो कवर मिल जा रहा है, रैक मिल जा रहा है, टेबल मिल जाएगा, चेयर मिल जाएगा, फैन मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली एक हॉस्टल में इतनी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा संबंध है, एक दूसरे से तालमेल बना के रखिएगा तो बहुत ही खुशी के साथ रहिएगा, जलनखोर टाइप का रहिएगा, एक दूसरे से लड़िएगा तब तुम नहीं रह सकते, फिर डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे अच्छी खुशी की बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसी दिया आ चुका है, बकायदा आपको यहाँ पर एसी वाला रूम मिलेगा, एकदम एसी में बैठिए, ठाट रहिए, इंजॉय करिए। हम लोग जैसे गरीब लोग क्या बोले, हमारी जिंदगी के बारे में आप पूछ नहीं सकते। अला मैं टेबल फैन में रहता था, वो भी टंगी डाल के जैसे घुमाता था तो कभी कभी चलता था, मुरझा जाता था। देखिए अभी हम लोग ऊपर के फ्लोर पर आ चुके हैं, और ऊपर का फ्लोर का रूम कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का सीन आप देख सकते हैं, ऊपर के रूम कुछ ऐसे ही है, यहाँ पर आपको दो बेड मिल जाएगा, एक रूम में दो बेड लगा हुआ है, दो बेड के साथ साथ आपको यहाँ पर दो कवर मिल जाएगा जिसमें आप अपना बकायदा सामान रख सकते हैं, कि स्टडी टेबल के तौर पे आपको यहाँ पे दो टेबल भी मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ चेयर लगा लीजिए बढ़िया से, आराम से यहाँ आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पंखा लगा हुआ है, उसके बाद देखिए ये बाथरूम। ठीक है, फिलहाल इसमें लाइट नहीं जल रहा है, मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखिए ये है बाथरूम, देख रहे इतना बड़ा बाथरूम है, इसमें आराम से स्नान करिए, टेक बात करिए, नहाइए धुलिए, कुछ भी करिए, सब काफी अच्छा सुविधा है, मतलब बाथरूम देखिए कितना लंबा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको अच्छा खासा किचन मिल रहा है। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे कुछ भी आपका मन करे, मैगी, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, जो बनाने का मन करे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आइए, 3 सीटर रूम है, आइए आपको जनरल दिखाता हूँ, पूछते हैं तो ये देखिए ये बाहर का व्यू पॉइंट है। ठीक है, बाहर का व्यू पॉइंट देख सकते हैं, अगर आप बोर हो जाते हैं थोड़ा सा बात विचार करना चाहते हैं, कई लोग तो अपने हाँ हेलो दोस्तों से करना चाहता है, या फिर किसी घर से मम्मी का मौसी का फोन आ गया, आप आराम से यहाँ ये बालकनी में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, आराम से बतियाइए, और ये देखिए यहाँ पर कूलर भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको गर्मी वगैरह लगता है तो आराम से कूलर चलाइए, मस्त लेट के सो जाइए। देखिए बात करने वाले कई तरह के लोग होते हैं, किसी के बाबू का फोन आता है तो किसी के मम्मी की तो किसी के मौसा का। ठीक है, सबका अपना अपना है, तो किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, अब चलेंगे थोड़ा सा आपको बगल वाला भी रूम दिखा देते हैं। आप देखिएगा यहाँ बड़ा सा आपको एक स्पेस मिल जाएगा, छत है, पूरा खुला हुआ छत है, आराम से अगर रूम में गर्मी लगता है बाहर आ जाइए, अपने इसके ऊपर भी आप छत पे जाकर टहल सकते हैं, मतलब स्पेस का आपका पूरा ध्यान रखा गया, बहुत ही बढ़िया स्पेसियस है। साथ बगल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे मैंने बताया देखिए कूलर हर जगह लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिएगा आपको दो बेड मिल जाएगा, हालांकि अगर आपकी जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी तो इसको आप लोग सिंगल भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा पार्टीशन करके आपको रूम दे दिया जाएगा, आराम से बकायदा इसमें सो सकते हो, रह सकते हो, हालांकि यहाँ तो मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा स्पेस है, बाकी जगह कई बार चले जाइए ना और कंजेस्टेड रहता है, उसको सिंगल बना दिया जाता है, तो ये बकायदा नीचे रैक बना दिया गया है, ये देखिए इसमें आप सामान रख सकते हैं, ये आपका कवर्ड हो गया, आपको लॉक कर लीजिए, देखिए ऐसे लॉक कर लीजिए तो ये आपका पूरा पैक हो गया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, इसके साथ बगल में भी ये रूम है, इसमें कुछ लड़कियाँ रह रही हैं तो इसमें हम नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर मैं चार्जर की बात करता हूँ तो देखिए आपको मैं चार्जर भी क्लियर कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये है हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्टली आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं यहाँ के वार्डन का नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, आके हॉस्टल भी देख सकते हैं, हालांकि मैं ये पहले ही दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। तो यहाँ पे आप 4 सीटर रूम लेते हैं जिसमें 4 लड़कियाँ प्रेम पूर्वक रहे, 4 सीटर का चार्जेस जो है आपका 7,500 है, अगर 3 सीटर लेते हैं तो उसका भी 7,500 है, डबल सीटर लेते हैं तो 8,000 का है, और सिंगल सीटर लेते हैं तो 8,500 का है। ठीक है, यानी 5,500 का जो है आपको गैप है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एसी वाला रूम लेती हैं तो उसके चार्जेस हैं आपका अप्रॉक्स 10,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, बाकी आपका जितना जैसा वार्डन के साथ संबंध, भैया थोड़ा सा कम कर दीजिए प्लीज़, भैया प्लीज़ मैं 4 दिन के लिए आया हूँ, 2 महीने 4 महीने 1 साल रहूँगी, तो उस हिसाब से आप अपना भैया के साथ जैसा आपका अच्छा व्यवहार होगा तो वो अपना कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, ये है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, मैं यहाँ के वार्डन का नंबर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल हम सोच रहे हैं यहीं पर एंड करते हैं, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, मोटा जाइए, हर हर महादेव। महादेव दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, तो स्वागत।